नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बच और आज के वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड के टेस्ट के बारे में कि आप लोग का जो पेपर होगा वो किस प्रकार का आएगा, कितना आसान आएगा, कितना हार्ड आएगा, किस लेवल का पेपर होगा, सभी कुछ को हम बात करेंगे। वो भी बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस के साथ हम बात करेंगे। और मैं पहले आपको बताना चाहूँगा कि एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। एडमिट कार्ड रिलीज 9 तारीख को ही हुआ था। 9 तारीख से 20 तारीख तक आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो और 20 तारीख को आपका आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड का एग्जाम है, तो ये आप लोगों को पता होगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न क्या है, जो कि आप लोगों को पता होगा। तो 40 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से पूछे जाएंगे यहाँ पे, और रीजनिंग बहुत आसान होता है, पहले मैं बता दूँ, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश पूछे जाएंगे 30 नंबर के, और मैथ्स पूछे जाएंगे 30 नंबर पे, और टोटल 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 80 नंबर नहीं, 80 मिनट आपको टाइम मिलेगा और 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग क्या है यहाँ पे। तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगा। यहाँ देखिएगा, द स्कोर ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी ऑब्टेंड बाई एडॉप्टिंग दी फॉलोइंग प्रोसीड्यूर। अगर आप हिंदी में इसी चीज को देखना चाहते हैं तो मैं दिखा देता हूँ आपको हिंदी में क्या लिखा हुआ है, कि अंकों की गणना हेतु प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए सही उत्तर पर विचार किया जाएगा। मतलब हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आपको जो भी स्कोर मिलेगा उस पे उसके अनुसार आपको मार्क्स दिया जाएगा। समीकृत अंकों की गणना हेतु विभिन्न सेशनों प्रत्येक वस्तुनिष्ठ में कठिनाई अंतर का ध्यान रखने के उम्मीदवार द्वारा अंकों का समतुल्य किया जाएगा अगर परीक्षा एक से अधिक सेशन में होता है। तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में कुल मिला के यहाँ बात बोला गया है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक प्रश्नावली एवं परीक्षा में कुल अंकों का 0.2 अंकों में रिपोर्ट होगा। मतलब मान लीजिए कि आपका 59.23 मार्क्स आया, तो इस तरह आपका 2 अंकों तक ही दिखाया जाएगा। और कट ऑफ कुल अंकों पे लागू होता है, जो कट ऑफ होगा वो कुल अंकों पे लागू होगा, सेक्शनल कट ऑफ नहीं जाएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नोट इस पुस्तिका में, अब यहाँ देखिएगा, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैं आपको इंग्लिश में रीजनिंग दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो रीजनिंग के जो क्वेश्चन होंगे कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये कहने का मतलब क्या है, जो पहला क्वेश्चन है ऑड वन आउट का है, इनमें से कौन सा अलग है ये आपको छांटना है 1 से 3 क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं सिलोलिज्म का है, तो ये जो जैसा आपको सैंपल टेस्ट दिखाया जा रहा है, इसके कुछ 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको एग्जाम में क्या देखने को मिलेंगे, सिलोलिज्म देखने को मिलेंगे, इन इक्वेशन देखने को मिलेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलेंगे, जो प्रॉपर बैंक का क्वेश्चन होता है वही देखने को मिलेगा, पजल देखने को मिलेगा आपको। तो मैं आप लोगों को करवा दूंगा, जो जो आपको देखने को मिलेगा सब मैं करवा दूंगा। जो जो पेपर आएगा सेम, जो मैं बताऊंगा उससे ज़्यादा कुछ भी अलग पेपर नहीं आएगा। लास्ट ईयर जो मैंने कराया था उसे भी आप देख सकते हैं, वीडियो आप सर्च कीजिएगा आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड के नाम से, तो मेरा वीडियो टॉप पे ही आएगा, तो आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। आगे अब यहाँ देखिए इंग्लिश का लेवल कैसा होगा। तो इंग्लिश का भी लेवल आपको देखिए आसान सा लेवल है। कॉमन एरर आपसे पूछा गया, जैसे देख लीजिएगा कॉमन एरर, मैं बताऊंगा इसे कैसे बनाना है, क्या ग्रामर होना चाहिए, पूरा मैं बताऊंगा आपको। इस बार मैं थ्योरी भी बताऊंगा, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने सेट आपको दे दिया है, तो सेट आप लोग को कम से कम मैं एक सेट तो दे दूंगा, एक जैसे मैथ्स का दे दूंगा, रीजनिंग का दे दूंगा, इंग्लिश का दे दूंगा, और बाकी मैं 4 दिन में पूरा का पूरा मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश के सिलेबस को कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्लास का टाइमिंग मैं 9 बजे रात के बाद रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो टाइमिंग भी आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिएगा, आज ही से क्लास स्टार्ट करूंगा। आगे देखिएगा, यहाँ इसका मान लीजिए कि इसका एंटीनोम्स बताना है, सिनोनिम्स बताना, मतलब सिमिलर और अपोजिट मीनिंग बताना है, ठीक है ना। तो ये आप लोग को वर्ड आसान दिख रहे होंगे तो आप बना सकते हैं, मैं बताऊंगा कि इनको कैसे बनाना है। ही वॉन्ट टू मी, ये फिलअप आपको पूछे जाएंगे इंग्लिश में, तो मैं बताऊंगा प्रॉपर, मैं बताऊंगा, जो मैं बताऊंगा उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, और ये ऑफिशियल है। तो ऑफिशियल मैं पहले बता देता हूँ कि ऑफिशियल आपको कैसा दिया हुआ है क्वेश्चन का, जो हैंडबुक इसे कहते हैं, तो हैंड बुक कैसा दिया हुआ है आरबीआई की तरफ से, वो पहले मैं दिखा देता हूँ आपको। और यहाँ पे न्यूमेरिकल एबिलिटी देख सकते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम पे जोर दिया जाएगा, सिंप्लीफिकेशन 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, उसके बाद आपको DI हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। DI भी कम से कम एक DI आपको देखने को मिल सकता है, एक नंबर सीरीज के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। प्रॉपर वीडियो मैं लेके आऊँगा कि क्या क्या आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आज ही मैं लेके आऊँगा, ठीक है ना। आगे देखिएगा, डिटेल ऑफ दी ऑनलाइन एग्जामिनेशन पैटर्न, एग्जामिनेशन पैटर्न आप बता दिया मैंने, एग्जामिनेशन पैटर्न आपको एग्जाम कैसे देना है ये बताया जा रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि मैंने ऑनलाइन टेस्ट पे भी वीडियो बनाया है कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, वो मैंने बताया। तो आपको ध्यान देना है कि जैसे आपने आंसर को टिक किया, तो अगर ऑप्शन को सेलेक्ट किया, सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। तो अगर ग्रीन हो गया मतलब आपने आंसर दे दिया,
तो बस आपको ग्रीन पे ध्यान देना है कि कितने क्वेश्चन आपका ग्रीन हो रहा है, ठीक है, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। केवल सेव एंड नेक्स्ट का बटन देखिएगा आंसर को लगाने के बाद, और कुछ नहीं देखना है, केवल सेव एंड नेक्स्ट पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। मार्क को रिव्यू कर सकते हैं, बट उसमें क्या होता है कि उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपको, ऐसा होता नहीं है, फिर भी सेव एंड नेक्स्ट पे ही ध्यान दीजिएगा। क्लियर रिस्पांस का भी ऑप्शन आता है, मान लीजिए कि आपने गलती से आंसर कुछ और लगा दिया, आपको नहीं देना था उसका आंसर, तो एक साइड में क्लियर रिस्पांस भी दिया होता है, उस पर आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है। या आप अपने आंसर को बदल सकते हैं, वो बहुत आसान होता है, मैंने ऑनलाइन जो मैंने वीडियो बनाया कि टेस्ट कैसे देना है उसमें मैंने बताया, तो उसे आप देखिएगा, ठीक है। और इसमें कुछ है नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ नहीं है। एडमिट कार्ड के साथ आपको क्या क्या ले जाना है, तो एडमिट कार्ड के साथ आपको ध्यान रखिएगा कि मास्क पहन के जाना है, ग्लव्स अगर पॉसिबल है तो ग्लव्स पहन के चले जाइएगा, मतलब बोतल होना चाहिए जो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आर पार दिखना चाहिए, हैंड सैनिटाइजर भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है, एक पेन होना चाहिए एंड स्टैम्प ब्लू और इंक, ठीक है, ये स्टम्प पे पैड भी शायद ले जाना है, ऐसा तो लिखा हुआ है मुझे लग रहा है कि पेन और एक जो मोहर जो अंगूठा मारने वाला होता है स्टम्प पैड, ब्लू और ब्लैक किसी भी कलर में आपको ले जाने के लिए यहाँ बोला जा रहा है। अब कितना ज़रूरी है मुझे पता नहीं, क्योंकि जब रेलवे का एग्ज़ाम मैंने दिया था तो वहाँ तो मुझे मिला था भाई। आगे देखिएगा, एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको एक आईडी कार्ड ले जाना है, ओरिजिनल आईडी कार्ड, उस पर आपका फोटो होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ पूरा मेंशन होना चाहिए, अगर पूरा मेंशन नहीं है तो वैलिड नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। और उसका फोटोकॉपी आपको एडमिट कार्ड के साथ लगाना है, ठीक है, एडमिट कार्ड तो ले ही जाना है, और एक फ़ोटो आपको एडमिट कार्ड के ऊपर भी चिपकाना होगा, ठीक है, और यहाँ पे और बाकी कुछ नहीं, तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसके अलावा किसी का कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आज से आप लोगों को क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगा, टिप्स भी मैं दूंगा कि कितना कटअप जा सकता है, कैसे आपको ज़्यादा स्कोर करना है, तो आज मैं टिप्स आप लोगों को दूंगा, और आज से ही कोशिश करूंगा कि क्लास मैं स्टार्ट कर दूं। क्लास का टाइमिंग आपको अगले वीडियो में देखने को मिल जाएगा, तो फिलहाल 9 बजे के बाद, रात 9 बजे के बाद क्लास आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग मुझे टाइम सजेस्ट करिएगा कि 9 बजे के बाद कब का टाइमिंग आपके लिए सुटेबल है सभी के लिए, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि इंटरनेट जो होता है 9 बजे के बाद थोड़ा बेहतर चलने लगता है, और मैं चाहता हूँ कि क्लास में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे, अगली वीडियो में फिर से मिलता हूँ। और इससे इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, नॉलेज बस के नाम से टेलीग्राम है, सेम लोगो देखिएगा, नॉलेज बस का लोगो देख लीजिएगा, चैनल में दिया होगा नॉलेज बस का लोगो, वही लोगो आपको टेलीग्राम पे देखने को मिलेगा, वहाँ पे जाइएगा आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, और जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे वहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, अगर यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन नहीं देता है तो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहा, अगली वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, थैंक यू।